जम्मू में तो ऐसा कुछ नहीं है, हम नहीं है। और यहाँ पे जैसे बोलते हैं लोग कि हर साइड आपको आर्मी दिखेगी सेना, ऐसी भी कोई नहीं है। हम लोग बहुत रास्ते नॉर्मल है, जैसे मिल जाते हैं वैसे मिले। ऐसे कोई नहीं है कि यहाँ पे इधर फोर्स लगी इधर चेकअप हो रहा है, ये ऐसा कुछ नहीं है। हमें तो ऐसा कुछ नहीं मिला, पर वैसा कुछ है नहीं। टीवी में कुछ और दिखना है, बस हाईलाइट ज्यादा हो जाता है वो चीजें, पर वैसा नहीं है। बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के लोग। लगभग हम लोग कल से शायद 3 दिन हो जाए, तीसरा दिन, 300-400 किलोमीटर हम ट्रेवल कर चुके हैं इतने एरिया में, घूम चुके हैं। बट ऐसा कोई नहीं आया कि कोई आपको रोक रहा है, चेक कर रहा है। तो ये जो परसेप्शन एक बनी हुई है जम्मू कश्मीर की, उस पर आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हमें दिखाया था कि मूवी में कि जैसे अटैक हुआ पूरा जम्मू कश्मीर जैसे बहल रहा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बहुत खूबसूरत जगह, लोग भी यहाँ के जो वो भी बहुत खूबसूरत लोग हैं। हमारे साथ हमारे भैया हैं, बहुत प्यारे हैं, घुमा रहे हैं हमें, लोकल हैं यहाँ के, बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत अच्छे से घुमा रहे हैं, हर चीज दिखाते हैं बिल्कुल टाइम टू टाइम। अपने बारे में बता दीजिए, कहाँ से आप आए हैं? मैं कहाँ कहाँ घूमे? मैं बेसिकली बनारस के पास मऊ डिस्ट्रिक्ट है छोटा सा, जो आजमगढ़ के पास भी पड़ता है, तो वहाँ से मैं आया हूँ, बिलोंग करता हूँ। आप दो लोग बताएंगे कहाँ से? मुरादाबाद से आए हुए हैं, वहाँ के स्टूडेंट है तीर्थांकर महावीर यूनिवर्सिटी के। तो हमारे फ्रेंड है यहाँ पे, हमारे बैचमेट है, वो जम्मू गई है, तो उन्होंने काफी बार हमें बताया कि हमने सुना भी था कि जम्मू बहुत अच्छा है ये सारा कुछ। तो हमने कहा कि चलिए इस बार ये हम आपके साथ चलते हैं, राखी की छुट्टियां थी हमारी, तो हमने कहा चलिए हम आपके साथ चलते हैं। तो सारा कुछ हमने देखा, उन्होंने घुमाया सारा कुछ, भैया उनके साथ हैं वो हमें घुमा रहे हैं। अभी माता वैष्णो देवी के दर्शन भी हैं, दर्शन होंगे आगे हम करेंगे। हमारा जैसे ट्रिप है 1 वीक का था, तो अभी 2 डेज हुआ है, तो 5 डेज उसमें करेंगे। 7 दिन आप यहाँ? 7 दिन अभी, अभी 3 डेज होंगे। मैं बलिया से हूँ, यूपी से, और मैं भी MBBS कर रहा हूँ TMU से, और घूमने आए हैं। मेरा तो ये तीसरी या चौथी बार होगा जम्मू कश्मीर में। अच्छा, आप पहले भी? हम पहले भी आ चुके हैं। तो आप लोग? नहीं, हम फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम है, ये आ चुके हैं। तो आप 3-4 बार आए हैं? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं बार बार आता हूँ। तो जो आतंकवाद से जोड़ के देखा जाता है, आप अगर पहले आए थे तो उसके अगर वैसा होता तो आप फिर से नहीं आते? जी नहीं आता, मैं बिल्कुल नहीं आता। पर वैसा कुछ है नहीं, टीवी में कुछ और दिखना है, बस हाईलाइट ज्यादा हो जाता है वो चीजें, पर वैसा नहीं है। बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के लोग भी, और यहाँ का क्या कहेंगे जो लोग भी आपको देख रहे हैं बाहर के जम्मू कश्मीर के, उन्हें क्या संदेश रहेगा कि जम्मू कश्मीर कैसा है? खासकर जम्मू की बात करेंगे और रियासी जिले में लाइफ, माता वैष्णो देवी हैं, लाइफ में तो एक टाइम जरूर आना चाहिए उनको। आप अगर जम्मू कश्मीर नहीं आए तो इंडिया में, कश्मीर नहीं आए तो फिर आप कहीं नहीं। जैसे लोग बोलते हैं भारत का ताज है और ये स्वर्ग है, भारत का स्वर्ग, आप सच में स्वर्ग, आप देख सकते हैं, हम स्वर्ग के पास ही हैं। और आपको जरूर आना चाहिए, एक बार तो जरूर आना चाहिए आपको यहाँ पे। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। रियासी में आके बहुत खुश हो गए, बहुत दिल खुश। तो आप आना चाहोगे यहाँ पे दोबारा? हाँ, मौका मिलेगा बिल्कुल आएंगे। तो हम भी चाहते हैं कि आप एक जो टूरिस्ट होते हैं ना, जो बाहर के, वो एक माध्यम है, आप हमारे एरिया में प्रमोशन करते हो, टूरिज्म बताते हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप बाहर जाके भी बात करो। हाँ जी, वही मैं उनको बताओ, रियासी एक ना अच्छा आते रहेंगे। ये डिस्ट्रिक्ट रियासी बहुत ही खूबसूरत इलाका है। ये जनरल जोरावर सिंह थे ना, नाम सुना? हाँ, नाम सुना उनका, वो उनका इलाका है। यहाँ पे जनरल जोरावर सिंह की जनरेशन है, सिख जनरेशन भी यहाँ पे, हमारी दो सिस्टर्स हैं, वो काफी प्रमोट करती हैं इस एरिया को। फिर हम भी हैं, रिवर राफ्टिंग है यहाँ पे, सियार बाबा वाटरफॉल है, नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल जो यहाँ पे है। इसकी जो पुरानी मान्यता है कि यहाँ पे दूध गिरता था मिल्क ऊपर से, तो अब ये पानी में कन्वर्ट है। फिर ये चंद्रभागा नदी, इसको चिनाब रिवर बोलते हैं। ये एक बहुत खूबसूरत साइट है हमारी, यहाँ पे रिवर राफ्टिंग चलती है। पीछे सलाल डैम है, वहाँ पे चिंका एक बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है। फिर हमारे दगन टॉप है, जो सर्दियों में बर्फ से ढके रहते हैं। यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन है, ग्रीनरी है, ये भीमगढ़ फोर्ट है रियासी का, तो ये इसका एक बहुत ही पुराना इतिहास है। हमारे जो जम्मू कश्मीर अंग्रेजों का गुलाम नहीं होता, पता आपको? जो यहाँ के महाराजा थे, एक तो यहाँ पे क्लाइमेट ऐसा है कि यहाँ पे अटैक करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा, जो यहाँ के जो राजा महाराजा रहे बहुत ही जबरदस्त रहे हैं। जनरल जोरावर सिंह ने चाइना, जो अब लद्दाख गिलगित फतेह किया, वहाँ अकेले लड़े थे 200 सैनिकों के साथ। तो एक इसका एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। हम चाहते हैं कि आप जैसे यूथ हो, आप भी एक्सप्लोर करो रियासी को, आओ, हम आपका स्वागत करेंगे यहाँ पे। एडवेंचर का इतना हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है ना, रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, जिप लाइनिंग, ट्रैकिंग, कैंपिंग, हर एक फैसिलिटी आपको मिलेगी। तो हम चाहते हैं कि आप यूपी दिल्ली से आओ, इसको प्रमोट करो। यहाँ आके आपको अच्छा ही लगा ना? बहुत लगा, हमने जितना सोचा तो उससे ज्यादा ही खूबसूरत। थैंक यू सर। हम भी चाहते हैं कि जो हमारा एक डोगरा कल्चर है ना, हमारे डोगरा कल्चर में हमें सिखाते हैं कि हिंदी में बोलते हैं ना, अतिथि देव भव, मतलब हमारे सारे डोगरी बोलते हैं कि जेड़ा परौना
मतलब परौना बोलते साढ़े मतलब गेस्ट ते साढ़े बोलते कि परौने इ'यां नवाजो मतलब उसी परौने इ'यां अपने घर दा बंदा समझिए ते तुस साढ़े परौने हो ते अस चाहने तुस आओ साढ़ा डोगरी कल्चर है कि मतलब साढ़ा हमारा डोगरी कल्चर है कहीं ना कहीं छुपा हुआ था लेकिन हमारे डोगरे बहुत अच्छे हैं हमारे यहाँ पे आज भी इंसानियत जिंदा है आपका कोई यहाँ पर्स भी पड़ा होगा ना तो कोई हिलाई नहीं लेकिन आपने देखा कि वहाँ पे जोरियाँ भी होती हैं जम्मू को कैसा लगा आपको जम्मू कश्मीर बहुत अच्छा लगा जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है हमने मैक्सिमम या तो मूवी में देखी या तो फिल्मों में ऐसे या तो वीडियो में ऐसे यूट्यूब पे खोल के लगाना